पार्लियामेंट की तौहीन करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई। स्पीकर कौमी असम्बली की हिदायत पर सीडीए के दो मेंबर्स मुअत्तल, नोटिफिकेशन जारी। सेक्रेटरीट ने मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन यासर पीरजादा और मेंबर प्लानिंग असद महबूब के आने को मुअत्तल कर दिया। यासर पीरजादा को पार्लियामानी अमूर में रिपोर्ट्स पेश न करने पर मुअत्तल किया गया। असद महबूब के आने को वजारत कैट की हिदायत पर मुअत्तल किया गया है। अहम खबर से आपको एक बार फिर से बताते चले, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार आयाज सादिक इन एक्शन, पार्लियामेंट की तौहीन करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की गई। स्पीकर कौमी असम्बली की हिदायत पर सीडीए के दो मेंबर्स मुअत्तल किए गए और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। तफसीलात हासिल करेंगे कैपिटल टीवी के नुमाइंदे जमीर अली, हमारे साथ मौजूद है। जी जमीर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, स्पीकर अयाज सादिक ने एक्शन लेते हुए सीडीए के दो मेंबरान को मुअत्तल कर दिया है। दोनों मेंबरान जिनमें यासिर पीरजादा और असद महबूब कियानी शामिल है, दोनों मेंबरान को इंतहाई मजबूत समझा जाता था सीडीए में, तहम उन दोनों को आज स्पीकर के हुक्म पर मुअत्तल किया गया। और दोनों को इसलिए मुअत्तल किया गया है कि एक तो यासिर पीरजादा जो कि पार्लियामेंट की जाने से जब नोटिस जारी किया जाता था, उनको बुलाया जाता था, तो वो किसी भी सवाल का जवाब देने से कासिर होते थे, जबकि असद महबूब कियानी को वजारत कैट की जानब से मुबैना तौर पर खुद वो दीगर इल्जाम के तहत बरतरफ करने की सिफारिश की गई थी, क्योंकि असद महबूब कियानी के हवाले से भी ये बात सीडी में मशहूर थी कि वो जो वजारत कैद है उसके किसी भी आला हुकाम का हुक्म मानने के हवाले से राजी नहीं होते थे। उसने दोनों मेंबरान ऐसे थे जिन्होंने अपनी एक अलग स्टेट बना रखी थी सीडीए में, और आज दोनों को ही मुअत्तल कर दिया गया है वजारत कैद की जानब से, और इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। स्पीकर अयाज सादिक की जानब से ये हुक्म जारी किया गया है कि दोनों मेंबरान को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए, और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जी